वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस हमारे चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भट्ट और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्जी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप अगर आपका इकोनॉमी सेंसिस का अगर आपको आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका यहाँ पर ये एक रेयर आ रही होगी, आपके यहाँ पर एक रेयर आ रही होगी, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर आईडी कार्ड जनरेट के लिए क्लिक किया। सो आपके पास यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, यू आर नॉट पासिंग एक्सेस टू एग्जाम, प्लीज गो बैक टू असाइनमेंट करके आ रहा हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया आपको जैसे कि देखने को मिल रही है। अब आपको आईडी कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आपको बनवाना है, आपके एरिया में सारे काम करने लग गए हैं लेकिन आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, है ना। तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही होगी फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्त लोग हैं हमारे कि सर बताओ सर, हम आपको कि हम एग्जाम यहाँ पे कैसे, हम यहाँ पे जनगणना काम स्टार्ट हो गया है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वेली का काम स्टार्ट हो गया लेकिन आपका अभी तक यहाँ पर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं है। सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो रहा है लेकिन आईडी कार्ड में आपको यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। ठीक है, हमारे पास भी यही प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना यहाँ पर एक आईडी कार्ड बनवाया है, तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स यहाँ पर आप कैसे अपना आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको ले चलता हूँ एक आईडी कार्ड के ऊपर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसका जो है फ्रेम जो है, यहाँ पर आपको आईडी कार्ड का फ्रेम जो है बाहर का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमने लाखन सिंह बिष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने अपने हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लाखन सिंह बिष्ट, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, आईडी नंबर है, डेट ऑफ इश्यूज है, ठीक है, वैलिड अप टू है 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वैलिड हुआ है, ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर डिजिटल इंडिया की तरफ से आया हुआ है, इकोनॉमी सेंसिस का यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं। सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अथॉरिटीज, यहाँ पर एनुमरेटर एंड सुपरवाइजर्स के लिए यहाँ पर ये अथॉरिटी है। ठीक है, एंड 7th इकोनॉमी सेंसस 2019। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर होके मिल जाएंगे आपके सीएससी की तरफ से, प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो आपके सिग्नेचर है, आपको यहाँ पर उनका नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे आईडी कार्ड का नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट का ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको वही यहाँ पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या आईडी नंबर भी वही होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ऊपर, वो बता देता हूँ कितने अंकों का है मेरे पास यहाँ पे। सो एक मैं एक डेमो और दिखा देता हूँ आपको किस तरह से वो आईडी कार्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। एक दूसरा आईडी कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला आईडी कार्ड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह से हमने बनाया, यहाँ पर ये नाम हमने ये लिख लिया, यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर ये हो गया, यहाँ पर डेट ऑफ इशू हमने ये डाल दिया अपने हाथ से। अब आपको यहाँ से इसे प्रिंट करवा लेना है, अगर आपके पास शॉप है तो आप प्रिंट कर सकते हैं इसे। प्रिंट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर अपना जो, जहाँ पर आपका फोटोशॉप है या आपका कोरल ड्रॉ है, वहाँ पर जाने के बाद इसको आपको प्रिंट कर लेना है, उस साइज में छोटे साइज में प्रिंट कर लेना है जितना आपका यहाँ पर आईडी कार्ड होता है, उस साइज में आपको ये प्रिंट कर लेना है। ठीक है, एक साइड का आपके पास ये है तो मैं दूसरी साइड का आपको दिखा देता हूँ, दूसरी साइड कैसे कैंसिल कर लेते हैं। ये है हमारे पास दूसरी साइड है, इसकी बैक साइड का ये रहा। ठीक है, यहाँ पर बैक साइड का ये है सब, यहाँ पर है। आपको यहाँ पर दो जगह पर देखना होगा, आपको यहाँ पर प्लेस अपना, यहाँ पर जो भी प्लेस है वो डाल देना है। यहाँ पर जैसे मैंने उत्तराखंड डाला हुआ है, आप इसमें यहाँ पर अपना इसे व्हाइट करके यहाँ पर अपना दिल्ली लिख लें, यूपी लिख लें, उत्तराखंड लिख लें, या आप झारखंड लिख लें। ठीक है, अलग अलग जो भी स्टेट है आपका, उस स्टेट का नाम लिख लें, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ इशूज और आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा कोलकाता की तरफ से। अपने उससे पूछ सकते हैं कि सर आपको जो आपका यहाँ पे एरिया मैनेजर है उससे पूछ सकते हैं कि सर हम यहाँ पे पीछे जो सिग्नेचर है हमारे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हमारा DDGNRO कोलकाता करके आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों की तरफ से इन्हें कौन इश्यूज करता है, वो उत्तराखंड की तरफ से उनके यहाँ पर मोहर वगैरह आ सकती है। अगर नहीं भी आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्रिंट करना है, फ्रंट साइड है, बैक साइड कोई नहीं देखता है। ठीक है, ये है कि लोग आपको अचानक से कोई कुछ नहीं बोलता है आपको ये आईडी कार्ड देख के ना, कि आपको ये लग जाता है कि हाँ ये इकोनॉमी सर्वे वाले हैं, इनके पास ये कार्ड वगैरह है, रजिस्टर्ड नंबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिखलावट के लिए होता है। और यहाँ पर आपका ये ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत चेंज करके, बाकी ये सब सेम रहेगा। ठीक है, जो इसका बनाने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो खाली रहेगा इस टाइप का फ्रेम रहेगा, वो फ्रेम आपको यहाँ पर ये कुछ नहीं रहेगा, लक्ष्मण सिंह यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, खाली ये फ्रेम जो है आपको मैं दे दूंगा। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाने के बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे यहाँ पर डाउनलोड होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है इसे भी आप प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, ठीक है। एक लाइक तो फ्रेंड्स बनता है जरूर, हमारा लाइक का टारगेट 100 है फ्रेंड्स, ओनली 100 लाइक, कुछ भी नहीं हुआ अगर एक एक लाइक आप सब करते हैं तो 20 30 50 लाइक तो ऐसे ही बन जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो नई वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, कोई नया टॉपिक आता है सीएससी के ऊपर कि ऐप पे कैसे काम करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना के रखा है कि उसमें आपको जो सुपरवाइजर का यहाँ पे डैशबोर्ड है उस पर कैसे काम करते हैं, कैसे अलॉटमेंट एरिया अलॉटमेंट करें, कैसे अप्रूवल कराएं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है हमारे इस चैनल पर, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। आपको कहीं दूसरी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आपका ये फ्रेम मैं यहाँ पर बात करने वाला था कि ये फ्रेम जो है आपका इस तरह से आ जाएगा, उसे डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर फोटोशॉप में जाने के बाद आप इसे एडिट करते हैं, मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं। मोबाइल पर मैं आपको फिक्स आर्ट जो है एक मोबाइल ऐप दे दूंगा, ठीक है, प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे फिक्स आर्ट में जाने के बाद उसका साइज जो है यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल वाला ले लेंगे, उसमें जाने के बहुत बढ़िया से फ्रेंड्स मैंने सारे आपको वहीं पर कर रखे हैं। ये एडिट जो मैंने कर रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, ये एडिट मैंने आपको वहीं पर कर रखा है, ठीक है, फिक्स आर्ट में ही कर रखा है, ठीक है। वहाँ से आप भी इसे बना सकते हैं, फिक्स आर्ट से काफ़ी इजीली हो जाता है। फिक्स आर्ट के बारे में आपने सुना नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूँ, फिक्स आर्ट में इसको ले लेंगे आप, वहाँ पे यूट्यूब थंबनेल के नाम से उसे साइज ले लेंगे, उसके बाद वहाँ पे इसका नाम होगा चेंज करके सेव टू गैलरी करके वहाँ कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड है नहीं यहाँ पर, है ना, कंप्यूटर से करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। ये प्रिंट करने के बाद अपना यहाँ पर अपने जो सुबह एनिमेटर हैं उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रेंड्स आज के यही टॉपिक था कि आपका जो एरियर आ रहा है ये एरियर आपका आते रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप वो आईडी कार्ड आप अपने हाथ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर वो आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।